आपको बताना है ऐसा पॉइंट जो डिवाइड करता है यानी विभाजित करता है एक लाइन सेगमेंट को, एक रेखा को जिसकी लेंथ है 12 सेंटीमीटर, इंटरनली जिसका रेशियो है 2:3, यानी 2:3 इस भाग में 12 को डिवाइड करता है। आपको कंस्ट्रक्शन भी दिखाना है इसका। तो इसके लिए हमको क्या करना पड़ता है, देखिए सोल्यूशन कुछ इस तरीके से है और इसमें के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन बताता हूं तब आप समझ पाएंगे कि ये हुआ कैसे। आपकी एक लाइन सेगमेंट है 12 की, आपको इसको 2:3 भाग में डिवाइड करना है, यानी एक होगा 2/5, एक होगा इसका 3/5, ये भाग होगा इसका। तो ऐसे आप कैसे डिवाइड करेंगे, 2/3, 2/3 मतलब 5 भाग अगर है तो दो दो भाग इसका ये होगा पहला भाग, यानी कि यहां से यहां तक, और ये तीन भाग, तीसरा तीन भाग होंगे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम यहां से यहां तक एक 12 सेंटीमीटर का एक लाइन सेगमेंट बना लेते हैं। अब यहां से हम क्या करेंगे कि दो लाइनें पैरेलल बनाएंगे, यानी जो ए बी है यहां पर, यहां पर हम एक लाइन यू पैरेलल बना रहे हैं, एक लाइन यू पैरेलल बना रहे हैं। दोनों का एंगल आप 60 डिग्री रखिएगा, ये 60 डिग्री लिखिए, आप 60 डिग्री बनाना जानते हैं, यू लाइन जो है यहां पर अपना वो रखिए ऐसे प्रोटेक्टर, और यहां पर 60 डिग्री लेके ये तो बना दीजिए। अगर ये नहीं बनाना चाहते आप तो फिर यहां पर अपना प्रकार रखिए, प्रकार को यूं चलाइए, पहला कट दीजिए और ये बना दीजिए, ये आपका 60 डिग्री हो जाएगा, पहला कट जो है 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये एक 60 डिग्री हो गया और इधर भी आप 60 डिग्री ऐसे करके यहां बना दीजिए। कहने का मतलब दो लाइनें 60-60 डिग्री पे और ये पैरेलल भी होंगी क्योंकि 60-60 डिग्री आपने इसको ले लिया। अब ये जैसे ही आप आगे बढ़ाएंगे इसको, तो फिर अब आपको 2:3 कैसे करेंगे, आपको करना ये है कि ये जो आपने यहां से यहां तक लाइन बनाई है इसमें दो भाग आप काटिए, कोई भी भाग ले सकते हैं, ये जो दूरी है ये बराबर होनी चाहिए बस, मतलब ये जो दूरी है आप लेंगे, मान लीजिए कुछ भी प्रकार में आप ले लीजिए, यहां से यूं काटिए, यहां पर रखिए यूं काटिए, इसी तरीके से यहां पर यूं के यही साइज होना चाहिए, यूं काटिए, यहां पर रखिए यूं काटिए, यहां पर यूं काटिए, ये हो गया। तो यहां पर दो भाग आपने काटे, एक और दो भाग, यहां पर आपने 1, 2, 3 भाग काटे, और ये जो 1, 2, 3 भाग मैं बता रहा हूं इनकी सबकी दूरियां जो है वो सेम है, यहां से यहां तक दूरी सेम है, यहां से यहां तक दूरी सेम है, यहां से यहां तक दूरी है, लेकिन यहां पर आपको आपका नोक रखनी है और पेंसिल यहां चलानी है, नोक यहां रख के फिर पेंसिल यहां चली लानी है, नोक रख के यहां पेंसिल यहां तक चलानी है, और नोक और पेंसिल की दूरी सेम ही होनी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये जो आपका दूसरा भाग है और यहां से तीसरा भाग है इसको आप ज्वाइन कर दीजिए ऐसे करके, और ये जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी पी को, ये आपका यहां से यहां तक दो भाग, यहां से यहां तक तीन भाग इसने डिवाइड कर दिया। अब आप जानना चाहेंगे कि ये जो कंस्ट्रक्शन हुआ ये सही है कि नहीं हुआ, तो इसको भी जांच लेते हैं। पहले आप देखिए, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, ये आपके पास एक ट्रायंगल, इस ट्रायंगल में ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ये दोनों एंगल तो आपने ख्याल 60 डिग्री लिए हुए, ये बिल्कुल सेम है, और ये एंगल हो गया, ये एंगल हो गया, ये वर्टिकली अपोजिट, और क्योंकि ये पैरेलल है तो ये एंगल इसके बराबर और ये एंगल भी इसके बराबर, क्यों, क्योंकि दो पैरेलल लाइन है, आपने एक ट्रांसवर्सल बना रखी है, ट्रांसवर्सल में क्या होगा, ये एंगल इसके बराबर होगा, है ना, ये एंगल हम इसके बराबर बना रहे हैं, तो ये एंगल और ये वाला और ये वाला इसके बराबर, और ये वाला तो ये खैर इसके बराबर है, तो ये एंगल इसके बराबर हो गया, और ये 60 डिग्री तो बना ही रखा था आपने, ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, तो इसका मतलब ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट हो गया, मतलब सिमिलर हो गया, कॉन्ग्रुएंट नहीं सिमिलर, तो आपकी ये ट्रायंगल दोनों है, आपके दो ही एंगल मिल गए, आपके दो ही एंगल काफ़ी है, तो सिमिलर हो गई आप। अब ये जो आपके सिमिलर हो गए तो आप कह सकते हैं कि इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो होगा इसका रेशियो बराबर इसका रेशियो, और ये तो खैर दो भाग है, ये तीन भाग है, और ये एपी क्या है, एपी बाय आप पीबी कर दीजिए, ये भाग क्या है, दो भाग, और ये भाग हो गया तीन भाग। इस तरीके से इसको प्रूव भी कर सकते हैं आप कि हाँ हमने सही किया है। एक लाइन सेगमेंट है 9 सेंटीमीटर की है, इसको अंदर इंटरनली मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट है आपको यहां डिवाइड करना है, एक्सटर्नली मतलब होता है यहां से यहां तक 9 है तो ये बाहर की तरफ आपको डिवाइड करना है, तो इसको डिवाइड करना है 4:3, यानी कि ये भाग 4 हो, ये भाग 3 हो, यानी कि अगर कुल मिला के 7 आप भाग माने, या मान लीजिए 7 मीटर हो, 7 सेंटीमीटर हो, जो भी आप यूनिट ले लें, 7 मीटर में 4 मीटर यहाँ होना चाहिए, 3 मीटर यहाँ होना चाहिए, मतलब 4/7 भाग यहाँ, 3/7 भाग यहाँ। तो अब इसका जस्टिफिकेशन भी बताना है आपको, तो सबसे पहले क्या करेंगे, अब आप सीख चुके, आपको क्या करना है कि ये लाइन बनाइए 9, यहाँ से एक लाइन बनाइए 60 डिग्री पर, मतलब यहाँ पर अपना प्रकार रखिए यूं करके चला दीजिए, और यहाँ रख के
जो इसका पॉइंट है यहाँ पर आकार चला दीजिए, यहाँ पर पेंसिल चला दीजिए, इसी तरीके से यहाँ पर रखिए उसी दूरी वही डिस्टेंस लेके, और उस डिस्टेंस आपके ऊपर है कि आप आपका जो कोना है और जो पेंसिल है, पेंसिल की नोक है, इसको आप कितना लेते हैं, ये दूरी कोई भी हो सकती है, ये आपका पॉइंटर है। तो यहाँ पर रखिए इस तरीके से पेंसिल चला दीजिए, यहाँ पर रखिए इसको काट दीजिए, और फिर ये दोनों लाइनों को बना दीजिए तो सीधी पैरेलल आएंगी या सेम स्ट्रेट आएंगी। अभी लाइनें पैरेलल आ गई आपकी इस यहाँ पर उसी दूरी को लेके, यही दूरी को लेके, चाहे तो कितनी भी बड़ी इसको बढ़ा भी सकते हैं, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ से लीजिए एक काटिए, यहाँ पर रखिए, फिर अब यहाँ पर आपने जैसे पेंसिल से काटा, अब इस पेंसिल की जगह पे आप अपना वो जो नोक है वो रखेंगे, उसकी जो आपके इसकी डिवाइस की इक्विपमेंट की नोक यहाँ रखेंगे, यहाँ काटेंगे नोक, यहाँ रखेंगे यहाँ काटेंगे नोक, रखेंगे यहाँ काटेंगे, इसका मतलब इसको 1, 2, 3, 4 भाग में काट दें। यहाँ पर आइए, यहाँ पर रखेंगे यूँ काटेंगे, यहाँ पर फिर पॉइंट रखेंगे, यहाँ पेंसिल से काटेंगे, यहाँ पर रखेंगे पॉइंट को, फिर यहाँ पेंसिल से काटेंगे, तो ये 1, 2, 3 भाग हो गए, 1, 2, 3 भाग हो गए, ये 3 भाग हो गए, 4 भाग हो गए, यहाँ इस पॉइंट को इसे ज्वाइन कर दीजिए, हो गया, ये भाग होगा 4, ये हो भाग होगा 3। कैसे? अब देखिए ये दोनों ट्राइंगल है, इसमें ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, क्योंकि ये पैरेलल है ना, तो ये एंगल इसके बराबर, ये पैरेलल है, ये एंगल इसके बराबर, यानी कि आप ए ए एंगल 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 दो एंगल भी हो जाएगा तो हमारे पास सिमिलैरिटी आ जाएगी। सिमिलैरिटी का मतलब है कि ये साइड बाई ये साइड, यानी 4/3, हमें नहीं पता ये क्या है, तो हम बोलते हैं इसको ए पी बाई पी बी होना चाहिए। तो अब ए पी बाई पी बी किसके बराबर होगा? ए ए टू बाई बी बी थ्री, ए ए टू बाई बी बी थ्री। लेकिन आप देखिए ए ए टू जो है आपने, ये तो खैर 4 भाग लिए, तो 4 आ जाएगा, ये आपने 1, 2, 3 भाग लिए हुए, 3 आ जाएगा। तो आपने जो जहाँ से शुरुआत करी थी 4/3 आना चाहिए, ए पी बाई पी बी 4/3 आ गया, और वो इस तरीके से होगा, ये आपके सामने है। और बिल्कुल जो चीज़ मैंने आपको समझाई है वो यहाँ पर इसी तरीके से हुई है। लाइन सेगमेंट बनाना है, यहाँ से दो पैरेलल लाइनें बनानी है, ये 60 एंगल दे सकते हैं, चाहे कोई भी एंगल लीजिए, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 60 हो, 30 हो, 45 हो, जो आपको अच्छा लगे। लेकिन क्या होता है कि हम यहाँ पर अगर आप पॉइंट रखते हैं पेंसिल से जो बनाते हैं, और यहाँ पर पॉइंट रखकर जब पहला काटते हैं, तो जो पहली लाइन है उसी से बना दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। और उसके बाद इसको 4 भाग में काटिए, इसको 3 भाग में काटिए, और उसके बाद इसको ज्वाइन कर दीजिए, बस ये 4/3 हो गया। इसका प्रूफ भी हो गया कि दोनों एंगल अगर ये सिमिलर है, तो ये बाय ये बराबर होगा ये बाय ये, तो ये तो 4/3 है, तो ये 4/3 हो जाएगा। एक लाइन सेगमेंट है 14, उसको डिवाइड करना है 2:3 में, आपको जस्टिफिकेशन बताना है इस कंस्ट्रक्शन का। तो बिल्कुल सेम ऐसी काम करेंगे, सबसे पहले हम एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे, यहाँ पर अपना पॉइंट रखिए, ऐसे 60 डिग्री इस तरीके से काटिए, यहाँ पर अब पॉइंट रखिए, पेंसिल यहाँ चलाइए, तो ये स्ट्रेट लाइन आप इस तरीके से बना दीजिए, आप 60 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पर रखिए, यहाँ पर आप पॉइंट रखिए, पेंसिल को यूँ घुमा दीजिए, उसके बाद आप यहाँ पर रखिए, इसी दूरी पे इसको काट दीजिए, तो आपकी एक और पैरेलल लाइन आ जाएगी, ये दोनों पैरेलल हो गई। अब इस भाग को काटिए आप, एक ये जो दूरी ली है, या कितनी भी दूरी ले सकते हैं, ये जो आपका पॉइंट है और ये पेंसिल, इसकी कितनी भी दूरी ले सकते हैं, इतनी दूरी रखिएगा कि यार आप ये 2 और 5 दोनों काट सके, मतलब 5 तक जा सके यहाँ पर। तो यहाँ पर एक काटिए या 2 काटिए, यहाँ पर उसी दूरी पे यहाँ पर रखिए, एक काटिए यहाँ पर रखिए पेंसिल से, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5 इसको ज्वाइन कर दीजिए, ये 2 भाग हो गया, 5 भाग हो गया। प्रूव करना है तो ये वर्टिकली अपोजिट हो गया, ये एंगल आपके क्योंकि ये पैरेलल लाइन है, तो ये आपने ट्रांसवर्सल बनाई है, तो ऑल्टरनेट एंगल्स हो गए, तो ये भी आपका ऑल्टरनेट एंगल है वैसे तो, ये दोनों आपके क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए मतलब ये 2 भाग है, 1, 2 ये 2 भाग, और ये 1, 2, 3, 4 भाग, 5 भाग किसके बराबर हो जाएगा, इसके बाय इसके, है ना, इसके बाय इसके, और इसके बाय इसका जो है वो आपका क्या आएगा, मैं इसको पी बोलूँ तो ए पी बाय पी बी, ये 2/5 हो गया। और इसका जो पूरा का पूरा सोल्यूशन है वो आपके सामने है, और किया ऐसे गया है एग्ज़ाम में आपको, या फिर आपका जब असाइनमेंट हो कॉपी में करना हो, तो इस तरीके से कर लीजिए इसको।